और मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों का थमने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। इसी बीच पुलिस विभाग के डॉग हैंडलरों के तबादले भी कर दिए गए हैं, तो साथ साथ में उनके कुत्तों का भी ट्रांसफर हो गया है। इसमें ही एक है बड़वानी की ऊषा, डॉग को धार ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वहीं उनके हैंडलर का भी धार में ट्रांसफर हो गया है। डॉग मास्टर प्रधान आरक्षक बिशन सिंह सिसोदिया ने बताया कि डॉग ऊषा ने ऐसा मर्डर ट्रेस किया था जो बड़वानी पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे घर में मारकर गणेश जी की मूर्ति के पास गाड़ दिया था, जिसमें बदबू ना आए तो इसलिए वह सुगंधित अगरबत्ती लगा रहा था, लेकिन उस वक्त इस डॉग ने ही अहम भूमिका निभाई थी। क्या नाम है आपका? प्रधान आरक्षक डॉग हैंडलर। क्या नाम है इसका डॉग का? डॉग का नाम उषा है। कहाँ स्थानांतरण हो गया है? अभी फिलहाल अभी धार हुआ है। क्या विशेषता रही है बड़वानी कार्यकाल में, इनकी क्या उपलब्धि रही है उषा जी? उषा ने अच्छा मतलब काम किया है यहाँ पर बड़वानी में। बड़ी बड़ी क्या उपलब्धियाँ रही है? मर्डर ट्रेस किया है। कहाँ कहाँ? एक तो बड़वानी में जो कि मार के भाई को गाड़ दिया था और ऊपर से गणेश जी बिठा दिए थे ऊपर, और दूसरा तलुन में जहाँ मर्डर हुआ था मक्के की खेत में दोस्तों की हत्या की थी, उसको भी ट्रेस करने में सहयोग किया। कई मंदिरों की चोरियाँ ट्रेस करी है। और कोई बड़ी उपलब्धि? और मनोज ठाकरे कांड में भी अच्छा सहयोग रहा है इसका। और कुछ और कोई विशेष इनके द्वारा?